हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टास्टिक विद ईशा। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि पीसीएस के फॉर्म्स आ चुके हैं, मतलब अब तो क्लोज ही हो चुके हैं भरने के लिए, तो इसका एग्ज़ाम भी 11 जून को होना है। तो जो लोग अभी भी नहीं जगे हैं ना, उनके लिए स्पेशली देखिए, पहले तो आप सिलेबस ही आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को या जो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से अभी सिलेबस नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है जीएस पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, वो उन्हें नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है, दो पेपर होते हैं, एक सीसेट का होता है, एक जीएस का होता है, और हमें जीएस पढ़ना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन्हें सब्जेक्ट्स पता है, लेकिन किस में क्या पढ़ना है उनको ये नहीं पता होता है। तो जो पूछा जाएगा, मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपका पेपर में छूटे। आप इसी के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है ऐसा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपने कवर नहीं किया होगा। आई नो टाइम कम है, अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनानी पड़ेगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो चलिए, पहला सब्जेक्ट तो देखिए हम सबको ही पता है, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री देखिए तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी, मैं बिल्कुल ज़ीरो से बता रही हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी, जो बिल्कुल एक नया, जिसको पीसीएस जिसने सुना हो, या फिर जिसके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ हो, जो आज पहली बार प्रिपेयर करने बैठा हो ना पीसीएस के लिए, जिसने फर्स्ट टाइम फॉर्म प्रिपेयर किया है, स्पेशली ये उनके लिए ही है। तो जिन्हें अगर कुछ आता है तो वो मतलब ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट ना समझे, क्योंकि हमें क्या है, हर व्यक्ति को लेके चलना है, जिसे आता है उसको भी, जिसको नहीं, जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको भी। तो ये बिल्कुल ज़ीरो से है। तो देखिए, हिस्ट्री सबको पता है हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशिएंट में, मॉडर्न में, मिडिवल में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, सॉरी मैंने मॉडर्न पहले बोल दिया था, तो जज ना करें उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए, एंशिएंट में आपके जो चैप्टर्स आने हैं ना, वो आएंगे आपके स्टोन एज से क्वेश्चन आते हैं, फिर आते हैं आईवीसी से, आईवीसी आपकी हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके वैदिक एज से, जैनिज्म, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आने हैं आपके, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, इसके बाद महाजनपदास, आपको पता है ना कि मतलब महाजनपद बने हमारे, है ना, उसके बाद उन महाजनपद में से जो एक सबसे एक ही लास्ट में एक जो रह गया वो कौन सा था, मौर्यास। इसके बाद मौर्यास पढ़ना है हमें, उसके बाद पोस्ट मौर्यास एज पढ़नी है, फिर गुप्तास, गुप्तास के बाद रीजनल सिविलाइजेशन, रीजनल साइंस, आर्किटेक्चर एंड सिविलाइजेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंशिएंट हिस्ट्री में अब हमारा बचता है वो है संगम एज। आप मेरी बात सुन के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सिलेबस को कहीं भी आप नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट अब आते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री पे, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हमें नॉर्थ इंडिया का तीन पढ़ने हैं, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट हमें पढ़ना है साउथ इंडिया में चोल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन, रिलीजन, बिलीव्स पढ़ने हैं हमें 800 to 1200 AD। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं, ज़्यादा ना पढ़ें, जो जिस तरीके से मेंशन है उसी फ्रेमवर्क में रहकर अपनी तैयारी करें, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जिसको सिलेबस नहीं पता ना, सिलेबस इसलिए ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पता लगे आप पढ़ रहे हैं दुनिया जान का जहाँ से पेपर आना ही नहीं है। तो एक बार पहले सिलेबस दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। देखिए, हमें कोई PhD नहीं करनी है, ना हमें कोई थीसिस लिखनी है, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। उसके बाद राइज ऑफ राजपूत किंगडम्स पर हमें पढ़ना है, प्रोविंस किंगडम पढ़ना है, और फॉरेन इन्वेजन पढ़ने हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर विजयनगर एम्पायर, बाहमनी एम्पायर एंड प्रोविंशियल किंगडम पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। आपको मैंने जैसे जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे, मैंने हमेशा कहा है कि नॉर्थ इंडिया में हमेशा ही पावर स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, गद्दी के पीछे लड़ाई आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। उसके बाद हमें जो इसमें नेक्स्ट देखना है वो है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया 1200 से 1500 AD, 1200 to 1500 AD, जो कि आपके मेन थे भक्ति और जो सूफी मूवमेंट थे ना उनका। उसके बाद मिडिवल में आपको देखिए और क्या पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है और अफगान्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एज ऑफ अकबर पढ़ना है, दक्कन एंड साउथ इंडिया पढ़ना है अप टू 1656। इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century के आधे तक यानी कि मिड तक हमारा इंडिया कैसा था उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सब कुछ। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स, क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और लास्ट में हमें पढ़ना है राइज ऑफ मराठास। ये है हमारा मिडिवल का सिलेबस, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न पे। मॉडर्न में देखिए हमें क्या पढ़ना है, एडवेंट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। सोशल रिलीजियस कल्चरल रिफॉर्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। नेक्स्ट इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। नेक्स्ट पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। नेक्स्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी कराई हुई है, एक वन लाइनर में भी है कि वन लाइनर में जो मेरा वीडियो पढ़ा है उसमें यह है कि कहाँ से किसने लीड किया था। और अगर पूरा आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है किसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से इसको दबाया गया, तो उसके लिए एक पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जनरल फीचर्स, अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, INC का फाउंडेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन और इसका मॉडरेट फेज। आपको पता है ना दो में बट गई थी बाद में, तो वो चीज़। नेक्स्ट है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 तक। देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि देखिए हिंदी में आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं ना सारे ही हिंदी के नहीं होते हैं, वो मेनली जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना यूपी के, फिर वो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें इंग्लिश में कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बायलिंगुअल ही रहेंगी आगे, अगर मैं इसको अगर कवर कराती हूँ अभी कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि सारे कवर नहीं हो सकते है ना, कि इतनी जल्दी जल्दी मैं सारे आपको पूरा ही UPBCS का सिलेबस आपको मैं कवर करा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर चलूँगी, तो इसलिए अभी सिलेबस मैं इंग्लिश में ही करा रही हूँ नोट, ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके पास इंग्लिश में उनको चीज़ें पता होनी चाहिए, वो परेशान ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कई जगह और चैनल्स पे जो यही कहते रहते हैं इंग्लिश में करा दीजिए, प्लीज़ प्रोवाइड मी इन इंग्लिश, क्योंकि दिक्कत में हो जाती है काफ़ी सारे लोगों को। नेक्स्ट एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 तक, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 से 1917, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इमरजेंस ऑफ गांधी। नेक्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट इमरजेंस ऑफ स्वराजिस सोशलिस्ट आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेज। नेक्स्ट साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कोई बता सकता है कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? नेक्स्ट, डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नेक्स्ट, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस. नेक्स्ट, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू. नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पोस्ट वार नेशनल सेनेरियो. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स. नेक्स्ट, सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया. नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट, पीस एंड मूवमेंट 1857 से 1947 तक. नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास. नेक्स्ट, चैलेंजेस बिफोर द न्यू बॉर्न नेशन. नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट्स. ये है आपका कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी, कि पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है. पॉलिटी में देखिए, पहले तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पढ़ना है पूरा, कि किस तरीके से आइडिया आया कि हमारे भी देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से कमेटीज़ बनी, किन किन ने सजेशंस दिए. ये पूरा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. नेक्स्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड 73rd अमेंडमेंट, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट, मेजर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज. सारे हमें स्पेशली शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए टिप्स पे, कि हमारे जितने शेड्यूल्स हैं, कितने शेड्यूल्स में क्या क्या बात कही गई है. जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ से तो क्वेश्चन देखिए बहुत पूछे ही जाते हैं, कि किसी भी फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ लिया कि ये किस आर्टिकल में कहा गया है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म, फाइव ईयर प्लान्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देखिए, फाइव ईयर प्लान्स पे मेरे वीडियोस चल रहे हैं, आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स उसके आ चुके हैं, 2-3 पार्ट्स और आने रह गए हैं, मैं 1-2 दिन में उनको अपलोड कर दूंगी. नेक्स्ट, मनी. मनी में हमें फैट मनी, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर एक्सेट्रा, ये सब कुछ पढ़ना है, पूरा टॉपिक अच्छे से करना है. नेक्स्ट, इंडियन मनी मार्केट पढ़ना है, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडियन कैपिटल मार्केट पढ़ना है. नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसको हम DICGC बोलते हैं. नेक्स्ट, ECGC पढ़ना है हमको पूरा. ECGC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, इंश्योरेंस स्कीम्स पढ़नी है. नेक्स्ट, बजट एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ने हैं. और इस साल का बजट बिल्कुल भी मत पढ़ना, भूलिएगा उसको, तो याद कर लीजिए कि कहाँ कितना पैसा अलॉट किया गया, कहाँ कहाँ कौन सी नई योजनाएं चलाई गई, क्या हुआ. बिल्कुल आप बजट को रट के फेंक दीजिए, वो तो टिप्स पे होने चाहिए सारे आंकड़े आपके. नेक्स्ट, इंडियाज टैक्स सिस्टम, GST, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स. नेक्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व, एक्सटर्नल डेब्ट टू गैर. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. नेक्स्ट, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज, ग्लोबल negotiations and restrictions, regulations and reforms. Next, inflation and its types, inflation targeting, base effect and other important terms related to inflation. Next है आपका इसके बाद IMF. देखिए, जितनी भी ये organizations हैं ना, इनके बारे में भी आपको बिल्कुल पता रखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. कब एस्टेब्लिश हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. IMF, वर्ल्ड बैंक, ABD, OECD, ब्रिक्स बैंक, ये सारी आपको पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम ग्लोसरी, मतलब आपको सारी चीज़ें जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम कर रही हैं, और स्पेशली वो जो न्यूज़ में रही हैं ना,
उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे अभी आजकल ये रशिया यूक्रेन वॉर रहा है तो नाटो बहुत ज़्यादा सुनने में आया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, जो चीज़ न्यूज़ में रही है स्पेशली उसको तो बिल्कुल छोड़िए ही मत। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में देखिए हमें क्या पढ़ना है, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से बनी, जैसे हम पृथ्वी आज देखते हैं ऐसी तो नहीं थी ना, तो वो सब देखना है, थ्योरीज वगैरह देखनी है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, ओशंस, इंडिया की लोकेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन। ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी है, इंडिया की भी वर्ल्ड की भी। ठीक है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, ये आपको इंडिया की भी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड की भी पता होनी चाहिए। ये आपका कंप्लीट आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। नेक्स्ट है आपका आर्डन कल्चर। आर्डन कल्चर में देखिए इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पॉटरी, आर्ट ऑफ आईवीसी, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो आर्ट थी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में जो आर्ट एंड कल्चर रहा उस टाइम पे, इंडियन पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स, इंडियन म्यूजिक, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन इंडिया, इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन लिटरेचर, डिफरेंट फिलोसफीज, अदर आर्ट फॉर्म्स, कॉइन्स इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया। ये सारा आपका सिलेबस है आपका आर्ट एंड कल्चर का। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमें देखिए पढ़ना है इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, एक्शन पॉलिसीज। ओके, ये आपका पूरा एनवायरनमेंट का सिलेबस है, ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता, क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाएंगे या कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे इस बारे में आपको पेपर से पहले तो कोई भी नहीं बता सकता। और देखिए इस भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए, मतलब किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप अपना पढ़िए, आप अपना सिलेबस रखिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने हिसाब से पढ़िए। ठीक है, पढ़िए कहीं से भी, मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन। ब्लाइंडली फॉलो मत करिए बस किसी को कि हाँ, किसी ने अगर आपको 50 पन्ने पेजेस दे दिए पढ़ने को, उसने कहा आपके इसमें से 45 क्वेश्चन फंस जाएंगे या आप लास्ट मोमेंट में ये पढ़ लीजिए, तो आप उतने के भरोसे चले जाएँ। देखिए अब वो पेपर का लेवल नहीं रह गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये स्पेशली मैं उनको ही समझा रही हूँ जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि पुराने वाले तो देखिए सब जानते ही हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखिए आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल आपको दोनों ही पढ़ने हैं, मतलब आपको अपने देश का भी पता होना चाहिए और दुनिया का भी पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चला। और एक साल के करंट अफेयर्स हैं, जो एक साल के ही पहले तो कोशिश कीजिए, और टाइम कम है तो आप उल्टे उठा लीजिए। ठीक है, तो मतलब लास्ट 6 मंथ्स के तो आप करके ही जाइए, कुछ भी हो जाए लास्ट 6 मंथ के तो आप बिल्कुल रट लीजिए। लेकिन अब जैसे कुछ लोग हैं सिलेबस ज़्यादा है जो बिल्कुल ही शुरुआत में बैठे हैं, या जिनके पास टाइम है, या बहुत से लोगों को तो बिल्कुल रटे हुए होंगे ही, मैं मान के चलती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल हैं उनको लास्ट 6 मंथ के तो बिल्कुल पता ही होने चाहिए, उसमें तो कोई लापरवाही हो ही नहीं सकती। और जिनके पास टाइम है या जिन्हें लग रहा है वो कर सकते हैं, तो वो एक साल के प्लीज़ करें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, एक साल तक के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफीज एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, डेमोग्राफीज सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के क्वेश्चन आने हैं, जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पेपर आता है देखिए सीसेट का। पहली बात तो आप देखिए ये समझिए कि पेपर 2 शिफ्ट में होगा, पेपर सेम डे ही होता है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सीसेट का पेपर अलग दिन होगा, पीसीएस वाला पेपर, मेन पेपर अलग दिन होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं। सीसेट आपको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके फर्स्ट पेपर चाहे कितना भी अच्छा हुआ हो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। पहले पेपर में देखिए आपके आएंगे 150 क्वेश्चंस और सेकंड पेपर में आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए सीसेट का हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं।
इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आना है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग आनी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आने हैं, जनरल मेंटलिटी के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैथ्स जो आपकी आएगी वो आएगी क्लास 10th तक की, ठीक है। इसमें आप सभी पढ़िएगा 10th तक की जितनी भी है विद एडवांस, ओके। सी सेट में एडवांस पूछा जाता है, बहुत से लोग तो इसी धोखे में रहते हैं, एडवांस नहीं आती। नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश भी जो आपकी पूछी जाएगी वो भी आती है आपकी 10th लेवल तक की। ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। अब आप इसको कहीं नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और इसी उसमें रह के पढ़िए, क्योंकि टाइम कम है। आप आलतू फालतू चीज़ों में उलझेंगे, ज़्यादा मत उलझिए, क्योंकि आपको लगेगा इस वीडियो को देख ले, उधर फॉलो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे देखिए कुछ भी नहीं होना। आप अपना सिलेबस बनाइए, आप बस पढ़ते जाइए। आपका काम क्या है? पढ़ना और सिलेक्शन लेना, तो बस पढ़ते जाइए। आज मैंने आपको सिलेबस नोट करा ही दिया है। अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट कल के, मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर लेके आने वाली हूँ, बट हाँ किसी ना किसी सब्जेक्ट को तो हम कवर करेंगे ही, ओके। और सिलेबस देखिए, अगर आपके किसी दोस्त पे भी प्रॉपर ना हो तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर करें, और अपने पास तो नोट करके रख ही लें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।